उधर कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ खिलाफ एसआईटी जांच करेगी। 1984 सिख विरोधी दंगिया केस लई श्रोमणी अकाली दल ने इसका स्वागत किया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा ने दो मंगा रखिया हैं। उन्हों का कहना है कि कमलनाथ का अस्तीफा कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे और कमलनाथ खिलाफ गवाहों को सुरक्षा दी जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ खिलाफ होगी एसआईटी जांच। 1984 सिख विरोधी दंगा केस विच ए जांच की जाएगी। दरअसल 1984 केसां दी जांच कर रही एसआईटी ने जनतक नोटिस जारी करदियां ते बंद पए सत केसां दी जांच दोबारा करन दी गल तोड़दियां लोकां कोलों सहयोग दी मांग कीती है। इन्हां सत केसां विच मुख्यमंत्री कमलनाथ दा केस भी शामिल है जो बंद कर दिता गया सी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा ने मांग की है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री के अहुदे से हटा दिया जाए ताकि जांच में कोई असर ना पै सके। अब हमारी मांग है, एक तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, वो बार बार इंसाफ की बात करते थे, वो बार बार कहते थे देश के लोग इंसाफ मांगते हैं, सिख इंसाफ मांगते हैं और आपसे मांग करते हैं इमीडिएटली, क्योंकि कमलनाथ के खिलाफ मुकदमा खोल दिया गया है, हमारे मुकदमे को इन्फ्लुएंस ना कर सके, हमारी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके और सिखों को जो दो सिख यहां मारे गए थे उनको इंसाफ मिले, इसके लिए इमीडिएटली सोनिया गांधी राहुल गांधी को कमलनाथ से रिजाइन देना चाहिए, इमीडिएटली उसको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए ताकि ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम चालू है, ये अनबायस हो, ये किसी दबाव में ना हो, मुख्यमंत्री का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है। सिरसा ने गवाह मुख्तियार सिंह ते संजय सूरी लई सुरक्षा दी भी मांग की है। कमलनाथ के खिलाफ संजय सूरी और मुख्तियार सिंह दोनों प्राइम विटनेस हैं। हम चाहते हैं इमीडिएटली इनके डिस्पोज ऑफ करने को तैयार है, हमने आज उनसे बातचीत की है, बोथ हैव एग्रीड टू डिस्पोज बिफोर द एसआईटी ऑफ द स्पेसिफिक डेट कॉल्ड ऑन, जिस दिन भी उनको बुलाया जाएगा वो एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने को तैयार है। हमने आज एसआईटी से बात की, उन्होंने कहा कि वो एक दिन में हमें स्पेसिफिक डेट देंगे जिस डेट में वो दोनों की विटनेस दर्ज करेंगे। हमारी मांग है, पहली मांग कमलनाथ को कांग्रेस की प्रेसिडेंट को तुरंत उसका रिजाइन देना चाहिए और इनको कुर्सी से हटाना चाहिए ताकि सिखों को इंसाफ मिल सके। दूसरा, हमारी दोनों प्राइम विटनेस संजय सूरी और सलार मुख्तियार सिंह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी जानमाल को खतरा बनाएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कत्लेआम के केस के अंदर अपना बयान दर्ज कराने जा रहे हैं, इसी दबाव के चलते कमलनाथ सज्जनपुरा जगदीश टाइटर एचकेएन भगत धनदास शास्त्री जैसे लोग, ललित मार्के जैसे लोग बचते रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी विटनेस डिस्पोज करें और बिना किसी डर के करें ताकि उनके परिवार को खतरा न बनाए, इसलिए इनके परिवार के ऊपर खतरा बनेगा। अब एक मुख्यमंत्री खिलाफ वो डिस्पोज करेंगे, इनको एडवोकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का फर्ज बनता है, दिल्ली पुलिस का फर्ज बनता है, दोनों विटनेस जो है डिस्पोज करने के लिए तैयार है। हम तुहानू दस दे हां कि 1984 सिख कत्लेआम केस विच कीवें आया कमलनाथ दा नाम। कमलनाथ ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब से हुए हमले में शामिल होने के इल्जाम में एचएस फुलका ने 2006 विच गवाह मुख्तियार सिंह नूं पेश किया सी। मुख्तियार के बयान के आधार से मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम मामले में शामिल किया गया। नानावती कमीशन के सामने कमलनाथ की पेशी भी हुई सी। नानावती कमीशन ने कमलनाथ की कथित भूमिका नूं नहीं स्वीकार किया। साल 2016 विच कमलनाथ को पंजाब दा पार्टी इंचार्ज नियुक्त किया गया सी। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने कमलनाथ दी नियुक्ति दा विरोध किया सी, जिस तो बाद विवाद पता दे कमलनाथ खुद ही पीछे हट गए सन। कमलनाथ हमेशा ही अकाली दल दे निशाने ते रहे ने। सज्जन कुमार नूं सजा होण तो बाद अकाली दल ने हमेशा जिक्र जगदीश टाइटलर ते कमलनाथ दा किया है ते हुण एसआईटी दी जांच पूरा सच सामने लियावेगी। न्यूज डेस्क विश्वास संदल सांझा टीवी।